गुड मॉर्निंग, हम कक्षा 10वीं का हिंदी पढ़ रहे हैं काव्यखंड। और काव्यखंड में चार आत्मपद्य आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो आत्मपद्य है, इसको लिखा है जयशंकर प्रसाद जी। तो सबसे पहले हम जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय देखेंगे। जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1879 में नवासी हुआ था। काशी के प्रसिद्ध किंग्स कॉलेज में वे पढ़ने गए थे। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म वाराणसी में 1889 को हुआ था और वे काशी के ही प्रसिद्ध किंग्स कॉलेज में पढ़ने गए। परंतु कुछ परिस्थितियां अनुकूल न होने के कारण 8वीं से आगे नहीं पढ़ पाए। बाद में खतपानी संस्कृत हिंदी फारसी का उन्होंने अध्ययन किया। छायावादी काव्य प्रवृत्ति के प्रमुख कवियों में एक जयशंकर प्रसाद जी थे और आपका निधन सन 1937 में हुआ। आपकी कुछ काव्य रचनाएं काव्य कृतियां हैं, देखते हैं कि वो कौन कौन सी है। चित्राधार, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर और कामायनी। कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद जी का कामायनी, ये महाकाव्य है। आधुनिक हिंदी की श्रेष्ठतम काव्य कृति मानी जाने वाली कामायनी पर उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया। वे कवि के साथ साथ सफल गद्यकार भी थे। अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और रुक्मस्वामिनी उनके नाटक हैं। तो कंकाल, तितली और इरावती उपन्यास, आकाशदीप, पांडे और इंद्रजाल उनके कहानी संग्रह हैं। प्रसाद का साहित्य जीवन भी की कोमलता, माधुर्य, शक्ति और बोझ का साहित्य माना जाता है। प्रसाद जी का साहित्य जीवन क्या है? कोमलता, माधुर्य, शक्ति और ओज का साहित्य माना जाता है। छायावादी कविता की अतिशय काल्पनिकता, सौंदर्यता, स्वच्छ चित्रण, प्रकृति प्रेम, देश प्रेम की शैली और लाक्षणिकता उनकी कविता की प्रमुख विशेषता है। इतिहास और दर्शन में उनकी गहरी रुचि थी, जो उनके साहित्य स्पष्ट दिखाई देती है। अब है आगे आत्मकथन पाठ का जो का हम परिचय देखते हैं। तो प्रेमचंद के संपादन में हंस पत्रिका का एक आत्मकथा विशेषांक। प्रेमचंद के संपादन में हंस पत्रिका का एक आत्मकथा विशेषांक निकलना चाहिए। प्रसाद जी के मित्रों ने आग्रह किया कि वे भी आत्मकथा लिखें। प्रसाद जी इससे सहमत थे। इसी असहमति के तर्क से पैदा हुई कविता आत्मकथा। यह कविता पहली बार 1932 में हंस के आत्मकथा विशेषांक में प्रकाशित हुई। छायावादी शैली में लिखी इस कविता में दर्शन प्रचार ने जीवन के यथार्थ अभाव पक्ष की मार्मिक अभिव्यक्ति। छायावादी सूक्ष्मता के अनुरूप ही अपने मनोभावों को अभिव्यक्त करने के लिए जयशंकर प्रसाद ने ललित, सुंदर और नवीन शब्द और नए नए बिंदुओं का प्रयोग किया। इन्हीं शब्दों एवं बिंदुओं के सहारे उन्होंने बताया कि उनके जीवन की कथा एक सामान्य व्यक्ति के जीवन की कथा है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं जिसे महान और रोचक मानकर लोग वाहवाह करें। कुल मिलाकर इस कविता में एक तरफ कवि द्वारा
यथार्थ की स्वीकृति है तो देखेंगे आत्मतत्व कविता का सारांश क्या है। तो इसमें कवि जयशंकर प्रसाद के अनुसार संसार नाशवान है, जो कल घनी पत्तियां थी आज मुरझाकर गिर रही है। इस संसार के प्रवाह में कितने ही महान लोग थे जिनके सामने हमारा जीवन व्रत हास्यास्पद है। कवि अपने जीवन के बारे में कहते हैं कि यह खाली गागर है, इसमें किसी को सुख मिलने की संभावना नहीं है। मेरे जीवन में क्षणिक सुख था जो चला गया, अब मेरे पास दुखों की लंबी कतार है जो मैं किसी को नहीं दिखाना चाहता। अपने छोटे से सुखी जीवन की कथा मैं नहीं कहना चाहता। इससे अच्छा है कि मैं मौन ही रहूं, क्योंकि मेरी व्यथा भी थक कर अब सो गई है। अब पद एक पढ़िए, इसका वाचन करेंगे कि मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज हुई। इस गंभीर अनंत निर्मा में असंख्य जीवन इतिहास यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। तब भी कहते हो कह डालो दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह कागज भी। अब हम इसकी कठिन शब्दों के अर्थ देखेंगे। मधु मतलब मन रूपी भंवरा, अनंत नीलिमा अंतहीन उसका व्यंग मले खराब ढंग से निंदा कर, और गागर रीति ऐसा मन जिस कोई भाव नहीं या खाली खड़ा। अब हम इसका भावार्थ या व्याख्या देखेंगे कि कवि कहते हैं कि मेरे जीवन के उपवन में, क्या कहते कवि कि मेरे जीवन के उपवन में मेरे जीवन का जो बगीचा है उसमें मेरे मन का भ्रमण गुंजार कर रहा है। जो बाग है बगीचे है उनमें मन रूपी भंवरा गुंजार कर रहा है और मेरे मन की कहानी कह रहा है। क्या कह रहा है भंवरा? कवि कहते हैं मेरे जीवन उपवन की घनी पत्तियां अब मुरझा कर गिर गई है, अर्थात खुशियां चली गई, पत्तियां मुरझाकर मेरे जीवन की उपवन की जो घनी पत्तियां थी वह अब क्या हो गई है? मुरझाकर गिर गई है। तात्पर्य क्या है? पत्तियां गिरने से कि अब कवि के जीवन में खुशियां चली गई और इस अनंत आकाश में अनगिनत जीवन जिन महापुरुषों ने अपना जीवन इतिहास लिखा है, लगता है वे अपना ही उपहास बना रहे कवि के जो मित्र उनसे अपनी जीवनी लिखने को, तो कवि उनसे कहते हैं कि मैं अपनी जीवन कथा क्यों लिखूं जबकि मेरा यह जीवन अभावों और निराशाओं से भरा रहा है, क्योंकि मेरे जीवन में खुशियां कम थी और निराशा और अभाव ज्यादा, तो मैं अपनी जीवन कथा या आत्मकथा क्यों लिखूं? मेरी गाथा सुनकर तुमको कोई सुख प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि यह सुखद भावनाओं से रिक्त गागर की तरह है। क्या कहते हैं कवि कि मेरी कहानी या मेरी गाथा सुनकर अपने मित्र से कहते कि तुमको कोई सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि जिस तरह क्योंकि यह सुखद भावनाओं से रिक्त गागर की तरह है, क्योंकि यह एक खाली घड़ी के समान है। अब इस पद से कुछ प्रश्न देखते हैं कि इस पद से किस तरह के प्रश्न बनेंगे। तो पहला है प्रश्न कि मधुर शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और यह किसकी कहानी कह
उत्तर है कि काव्यांश में इस पद में एक मधुर शब्द कवि के मन के लिए प्रयुक्त हुआ है और यह कवि के जीवन में गुनगुनाकर कवि की कहानी उसे सुना रहा है। फिर दूसरा के मुंह झाकर गिर रही पत्तियां देखो इतनी आज घनी पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। वो कवि कहते हैं कि मेरे जीवन से खुशियां उसी प्रकार एक एक करके दूर होती जा रही है जिस तरह किसी वृक्ष की समय आने पर एक एक कर के गिर जाते हैं। क्या कहना चाहते हैं तो कभी इन पंक्तियों में कहना चाहते हैं कि संसार में दूसरों की दुर्बलताओं का पता चलते ही दूसरों की दुर्बलताओं का पता चलते ही उसका उपहास करने लगते हैं। संसार में जब दूसरों की दुर्बलताओं या कमियों का पता चलते ही दूसरे लोग उसका हंसी मजाक या उपहास करने लगते हैं। फिर मैं क्यों अपनी दुर्बलताओं की कहानी कहकर किसी के लिए हंसी का पात्र बनूं? कभी अपनी कहानी नहीं लिखना चाहते क्योंकि वह उपहास का पात्र नहीं बनना चाहते। अब है पद दो किंतु कहीं ऐसी ना हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले यह विडम्बना अरि सरलते तेरे हंसी उड़ाऊ में भूले अपनी यह प्रवंचना औरों की दिखना उज्जवल गाथा कैसे गाऊ महिम चांदनी रात अरे खिलखिला कर हंसते होने वाली उन बात उसके कठिन शब्दों के आते प्रवंचना मौका मुस्कुराकर या हंसकर तरुण कोपल बालवन अनुरागिनी उषा प्रेम भरी सुबह या प्रेम भरी हो। अब इसका आवाज है कवि कहते हैं कि मेरी कहानी राखी कथा पढ़ने के बाद कभी पढ़ने वालों की समझ में कैसे आए कि मेरी दुख भरी जिंदगी का कारण वे ही है अर्थात पाठक मेरी सरलता का फायदा उठाकर मेरे जीवन से रस लेने वाले स्वयं को ही न समझ रहे हैं क्योंकि मानो तो यही सच है क्योंकि मेरी तरुण गाथा यदि तुम्हें मनोरंजन देगी तो मेरा रस को सुनने वाले ही मेरे जीवन की विडम्बना यह है कि आज मेरे जीवन में सुख तो बिल्कुल भी नहीं बचा है पर जब मेरे जीवन में सुख था उसकी गाथा मैं सुना नहीं सकता क्योंकि वे क्षणिक सुख कभी के जीवन की पूंजी है जिन्हें वे लुटाना नहीं चाहते और उन सुख वाले जीवन के सुखों की पूंजी को वह सहेज कर रखना चाहते हैं उसको लुटाना नहीं। अब देखते हैं कि इस पद में से कितने प्रश्न बनेंगे। हम कहता प्रश्न है कि कवि अपने जीवन की किस विडम्बना की बात करते हैं। कवि कहते हैं कि मेरे जीवन में कोई सरसता नहीं था दुख भरी घटनाओं से भरा है और मेरी दुखानी उपास का पात्र है और बात यह भी है कि कवि को लगता है कि जिन लोगों ने से कवि ने धोखा खाया है उनका भी उल्लेख आया तो वह भी कवि नहीं।